अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। हमने लास्ट वीडियो में इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि स्विंग इक्विपमेंट्स होते हैं बेसिकली। आपने कपड़े को सिलना है या उसका कंस्ट्रक्शन करना है तो हमें किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो काफ़ी सारे कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जहाँ पे ख़त्म किया था उसके आगे शुरू करते हैं। आप जा कर के टेक्सटाइल्स एंड क्लोदिंग फॉर UGC नेट JRF प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, बनी हुई है। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं होम साइंस से रिलेटेड, UGC नेट से रिलेटेड। आप जाकर के वहाँ चेक कीजिए, बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम शुरू करते हैं स्विंग इक्विपमेंट से। तो हमारे पास में सबसे पहले है निडल्स। अब हमने देख लिए भाई कि हमें चाहिए भाई ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट्स भी चाहिए, हमें मार्किंग इक्विपमेंट्स भी चाहिए, हमें कटिंग इक्विपमेंट्स भी चाहिए और मेजरिंग इक्विपमेंट्स भी चाहिए। अब ये सब करने के बाद में बारी आती है सिलने की, कि हमें कपड़े को सिलना है तो सिलने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमें निडल चाहिए, बिना निडल के तो हम कपड़े को सिल नहीं सकते ना। स्विंग मशीन में जो हमारी सिलने वाली मशीन होती है उसमें निडल लगी होती है, तभी तो वो मशीन काम करेगी, धागा आगे बढ़ेगा और स्टिचिंग होती जाएगी। तो निडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निडल जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक हैंड निडल होती है और एक मशीन निडल होती है। मशीन निडल मशीन में डलती है, फिर मशीन काम करती है, चलती है। हैंड निडल क्या होता है, जब आप खुद हाथ से कोई भी चीज़ स्टिच कर रहे हो, सिल रहे हो, तो जो हम यूज़ करते हैं ना निडल हाथों से, उसको हम हैंड निडल बोलते हैं। जैसे कि हमने थ्रेड डाला और हमने टांका लगा दिया। सबसे पहले हम हैंड निडल्स की बात करते हैं। ये हैंडल निडल्स नहीं, हैंड निडल्स होगा बेसिकली। ये निडल्स जो होती हैं ये आई शेप के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग, पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं। ये आपको अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी। शॉर्टर भी होती हैं, फाइनर भी होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ निडल्स शॉर्टर एंड फाइनर द निडल इज़, द निडल शुड बी ऑफ फाइन क्वालिटी स्टील। जो निडल हम यूज़ करते हैं वो फाइन क्वालिटी स्टील की होनी चाहिए और हमें करेक्ट निडल ही चूज़ करनी चाहिए अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग एंड थ्रेड साइज के अकॉर्डिंग एंड टाइप ऑफ स्टिच के अकॉर्डिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो फैब्रिक होता है वो इतना ज़्यादा मोटा होता है कि एक पतली निडल जिसका नंबर काफ़ी ज़्यादा कम होता है वो हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, उससे जो फैब्रिक है उसमें स्टिचिंग होगी ही नहीं। या फिर आप मोटी वाली जो सुई होती है उसको आप एकदम से फाइनर क्लोथ पे नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फिर उससे भी स्टिचिंग नहीं होगी। तो हमें जब निडल्स चूज़ करनी है तो हमें फैब्रिक का ध्यान भी रखना है कि किस टाइप का फैब्रिक है हमारा, क्या लेयर्स हैं फैब्रिक की और क्या थ्रेड हम यूज़ कर रहे हैं। हम मोटे वाला थ्रेड यूज़ कर रहे हैं या फिर फाइनर थ्रेड आप यूज़ कर रहे हो, और आपकी स्टिच किस तरीके की आप लगा रहे हो, एकदम बारीक स्टिच यूज़ कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा लूज स्टिचिंग कर रहे हो। अब जर्नल हैंड स्विंग निडल्स होती हैं कुछ, उनमें भी कैटेगरीज हैं। तो दीज आर यूज फॉर जर्नल पर्पस ऑफ स्विंग। शार्प्स, एक तो शार्प्स होती हैं 1-12 साइज में ये अवेलेबल होती हैं। ये कॉमनली यूज्ड निडल्स हैं और ये मीडियम लेंथ एंड अराउंड आई इसमें होती है। ये वो सुई है जो हम मतलब डेली अपने घर में अवेलेबल होती है, हमें कोई चीज बटन लगाना है तो हम उससे लगाते हैं। तो उन निडल्स को ना, उन हैंड निडल्स को हम सुई नहीं या फिर निडल नहीं बोलते हैं, उसको हम शार्प्स बोलते हैं। तो ये हमें नहीं पता था कि भाई निडल को हम शार्प भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम उन्हें शार्प्स बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमनली निडल्स होती हैं, ये मीडियम लेंथ की होती हैं और राउंड आई होती है जिसके अंदर से धागा निकलता है। ये ऑलमोस्ट सभी फैब्रिक वेट्स के लिए सूटेबल होती हैं। फिर नेक्स्ट जो निडल का टाइप है वो है बिटवीन्स। ये 1-12 साइज़ की होती हैं। ये क्विल्टिंग निडल्स के रूप में जानी जाती हैं। इनकी जो लेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा शॉर्टर होती है और ये फाइन स्टिचेस के लिए यूज़ होती हैं हैवी फैब्रिक पे। फिर नेक्स्ट है बॉल पॉइंट्स। बॉल पॉइंट्स जो हैं वो भी एक निडल है जिसका साइज़ 5-10 होता है, 5-10 साइज़ में ये आती हैं। ये शार्प को ही रिसेंबल करती हैं एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट।
क्योंकि इसमें राउंडेड होता है सो इट कैन ईजी पेनिट्रेट थ्रू निटेड फैब्रिक में से ये निकल सकती है। इसका पॉइंट जो होता है ना वो थोड़ा राउंडेड होता है, एकदम पॉइंटेड नहीं होता है, तो इसलिए निटेड फैब्रिक्स में से आराम से निकल सकती है। नेक्स्ट जो टाइप है निडल का वो है कैलिक्स आइड। कैलिक्स साइड जो है वो 4 to 8 साइज में आपको मिल जाएगी। ये भी शार्प्स की तरह ही होती हैं, बट इसमें जो थ्रेड होता है वो एक स्लॉट में से पुल किया जाता है, आई में से नहीं निकाला जाता। जो हमारी शार्प में आई थी उससे नहीं निकालते, शार्प में जो आई होती है, लेकिन ये जो कैलिक्स आइड नीडल्स होती है ना इनके अंदर एक स्लॉट होता है जहाँ से धागा निकाला जाता है। नेक्स्ट जो नीडल्स है वो हमारी एम्ब्रॉयडरी नीडल्स होती है, मतलब एक तो हमारी जर्नल हैंड स्विंग नीडल्स हो गई, एक हमारी एम्ब्रॉयडरी नीडल्स हो गई। ये जो नीडल्स होती हैं ये हम आर्ट नीडल क्राफ्ट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है तो नीडल पॉइंट एंड डेकोरेटिव लीडिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो एम्ब्रॉयडरी नीडल्स में ही टाइप आता है वो होता है क्रिल्स। तो क्रिल्स जो होती हैं वो 1 to 10 साइज़ की होती हैं। ये शार्प मीडियम लेंथ नीडल्स होती हैं जो कि एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी लॉन्ग आई होती है जो अलाउ करती है सेवरल स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स को इसमें से पास कराने के लिए। जैसे कि हमारी शार्प है जो हम नॉर्मल नीडल घर में इस्तेमाल करते हैं, उसमें छोटी सी आई होती है जिसमें से जो धागा नॉर्मल धागा होता है वो निकल सकता है, लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी नीडल में क्रिल्स हैं इसमें क्या होता है, इसमें जो आई होती है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, जिसमें से आप एक नहीं बहुत सारे स्ट्रैंड्स जो होते हैं ना धागे के उनको निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट है शिनाइल। शिनाइल जो होती हैं वो 13 to 26 साइज़ की आती हैं। ये शार्प एंड हैवी होती हैं, एम्ब्रॉयड्री विद यार्न के साथ एम्ब्रॉयड्री करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो एम्ब्रॉयड्री नीडल का ही टाइप है वो है बीडिंग नीडल्स। तो जो बीडिंग नीडल्स हैं हमारी वो आपको मिल जाएंगी 13 to 26 साइज़ की। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, ब्लंट पॉइंट होते हैं इनके, एंड ये जो है मेनली नीडल पॉइंट एंड टेपेस्ट्री वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। और हम ये जो है दे कैन ऑल्सो सर्व द पर्पज़ ऑफ अ बॉडकिन का पर्पज़ भी ये शो करती हैं, जो कि यूज़ होती है पुशिंग आउट करने के लिए स्टिच्ड कॉर्नर ऑफ कॉलर्स को, जो कॉलर्स के स्टिच्ड कॉर्नर्स होते हैं ना उनको पुश आउट करने के लिए, बाहर की तरफ निकालने के लिए टेपेस्ट्री नीडल्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ये हम टेपेस्ट्री नीडल्स पे आ गए ना, उससे पहले हमने बीडिंग नीडल्स कर लिया। बीडिंग नीडल्स 10 to 15 साइज़ की होती हैं और ये थिन होती है, लॉन्ग बीडिंग एंड सीक्वेंस वर्क के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है डार्निंग नीडल्स। डार्निंग नीडल्स क्या होती हैं, ये डार्निंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ग्रेटली इन लेंथ होती हैं, वेरी करती हैं ग्रेटली इन लेंथ, अलग अलग लेंथ में ये अवेलेबल होती हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो फैब्रिक के अकॉर्डिंग होता है कि फैब्रिक आप कैसा यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आप नीडल का डायमीटर चूज़ करते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट हैं वो होते हैं कॉटन डार्नर्स। कॉटन डार्नर्स क्या होते हैं, ये हैंडल नीडल्स में ही आ जाएंगे, हैंड नीडल्स में आ जाएंगे। ये 1 to 9 साइज़ के होते हैं। ये डिज़ाइंड होते हैं डार्निंग के लिए विद फाइन कॉटन। फाइन कॉटन के साथ में आपने डार्निंग स्टिच करनी है। बेसिकली डार्निंग स्टिच क्या होती है, एक स्ट्रेट स्टिच होती है जहाँ पे आप सीधा सीधा स्टिच लगाते चले जाते हो, एक स्ट्रेट लाइन में आप स्टिचिंग कर रहे हो। यहाँ पे आप डार्निंग कर सकते हो विद फाइन कॉटन और वूल के साथ जब आपको करनी है डार्निंग, तो ये नीडल्स उसके लिए बनती हैं, कॉटन डार्नर्स जो होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास में ये, अच्छा ये डार्निंग नीडल्स के ही टाइप्स हैं। एक इसमें हमारे पास में कॉटन डार्नर्स आ जाते हैं और एक हमारे पास में मशीन नीडल्स आ जाती हैं। मशीन नीडल्स कौन सी होती हैं, तो जो मशीन नीडल्स होती हैं वो सिलेक्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू वेट एंड टाइप ऑफ फैब्रिक, की फैब्रिक का क्या वेट है क्या टाइप है। नीडल्स जो है वो फाइन इनफ होनी चाहिए कि भाई वो फैब्रिक के अंदर घुस सकें एंड उसको ख़राब भी ना करें, छिजे ना, फैब्रिक आराम से घुस सकें, येट स्ट्रॉन्ग इनफ होनी चाहिए दैट इट डज़ नॉट ब्रेक, कि टूटे भी नहीं। नीडल का जो साइज़ है वो 9 to 18 वेरी करता है हैवी फैब्रिक्स के लिए, 11 to 14 ये यूज़ होते हैं फॉर जर्नल स्विंग। ऑलवेज़ रिप्लेस कर देना चाहिए हमें जो भी डल्ड बेंड ब्रोकन नीडल्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, उनकी जगह हमें नई नीडल लेके आ जानी चाहिए क्योंकि उससे फैब्रिक ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ये शार्प है, ये बिटवीन्स है, ये बॉल पॉइंट है, ये कैलिक्स आइज है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्ब्रॉयडरी निडल्स में क्रिल्स इस तरीके की होती हैं, शनाइल्स, टेपेस्ट्री निडल्स, बीडिंग निडल्स, उसके बाद डार्निंग निडल्स में कॉटन डार्नर्स आते हैं, फिर नेक्स्ट मशीन निडल्स आ जाते हैं। मशीन निडल्स में कुछ इस तरीके की निडल्स होती हैं जिसमें यहाँ पे फ्रंट व्यू देख सकते हो आप, यहाँ पे टॉप है, शेफ्ट है, ग्रूव है, आई है और ये पॉइंट है, ये फ्लैट साइड है, टॉप है, आई है। अब बात करते हैं थ्रेड की। हमने देख लिया हमें निडल्स तो चाहिए, जो हैंड निडल्स होती हैं, मशीन निडल्स होती हैं, एम्ब्रॉयडरी निडल्स होते हैं, डार्निंग निडल्स भी होते हैं, मतलब फोर तरीके के निडल्स हमने देख लिए। अब बात करते हैं अब स्विंग के लिए। जब आप स्टिच कर रहे हो तो आपको थ्रेड की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो थ्रेड के बारे में जान लेते हैं। जो थ्रेड होते हैं फॉर स्विंग सिलने के लिए, वो कंपैटिबल होने चाहिए फैब्रिक कंटेंट के साथ। सबसे पहले तो उनका कलर मैच करना चाहिए फैब्रिक के साथ में, एंड फिर वेट ऑफ द फैब्रिक के अकॉर्डिंग भी हमें थ्रेड इस्तेमाल करना चाहिए कि हैवी फैब्रिक है या फाइनर फैब्रिक है। वैरायटी ऑफ थ्रेड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, एंड जो थ्रेड्स हैं वो डिफरेंशिएट किए जाते हैं उनके नंबर्स के द्वारा। अलग अलग नंबर दिए होते हैं थ्रेड्स को, हायर इज़ द नंबर, जितना ज़्यादा नंबर ज़्यादा होता है थ्रेड का उतना ही फाइनर वो थ्रेड होता है। वाइल यूजिंग ऑन प्लेन फैब्रिक, जब आप प्लेन फैब्रिक पे यूज़ करते हो थ्रेड को, वन शेड डार्कर हमें यूज़ करना चाहिए देन द फैब्रिक। इफ़ वी आर यूजिंग अ प्रिंटेड फैब्रिक तो हम डोमिनेंट कलर यूज़ कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि मान लो आप प्लेन कलर का फैब्रिक यूज़ कर रहे हो स्टिच के लिए, तो आप जो है वहाँ पे एक जो शेड लोगे ना थ्रेड का, वो डार्कर होना चाहिए, एक शेड डार्कर होना चाहिए आपके फैब्रिक से। अगर आप प्रिंटेड फैब्रिक स्टिच करने जा रहे हो उसके लिए आपको थ्रेड चाहिए, तो आप सेम कलर का थ्रेड ले सकते हो जो उससे मैच करता है। नेक्स्ट है हमारे पास में पिंस। तो हमें निडल्स भी चाहिए, थ्रेड्स भी चाहिए और पिंस भी चाहिए। पिंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं फैब्रिक को होल्ड करने के लिए या फिर फैब्रिक के लेयर्स को होल्ड करने के लिए, टुगेदर विथ सम अदर जॉब इज़ बीइंग डन ऑन द फैब्रिक। लाइक आपने हेमिंग करनी है, बटन होल करना है आपने, या फिर आप स्टिचिंग भी कर रहे हो ना डबल लेयर फैब्रिक की, तो हमारे पिंस जो होती हैं वो बहुत यूज़ होती हैं, बहुत काम आती हैं फैब्रिक और लेयर्स ऑफ फैब्रिक को आपस में इकट्ठा करके रखने के लिए। उसके बाद हमारे पास में थिम्बल आ जाते हैं। थिम्बल जो होते हैं वो स्मॉल मेटल कैप होती हैं जो कि वॉर्न होती है ऑन द मिडिल फिंगर पे हम इसको वॉर्न करके रखते हैं, सो दैट इट डज़ नॉट गेट पियर्स ड्यूरिंग हैंड स्विंग के टाइम पे, पियर्सिंग ना हो जाए फैब्रिक की। इट कम्स इन डिफरेंट साइजेस फॉर स्नग फिट। सो नेक्स्ट हमारे पास में आता है निडल थ्रेडर। निडल थ्रेडर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो कि थ्रेडिंग ऑफ निडल को ईजी कर देती है। मतलब आपने सुई में धागा डालना है तो आप निडल थ्रेडर की मदद से जब धागा डालोगे तो वो बहुत आसानी से डल जाता है। इट हैज़ अ स्मॉल थिन वायर लूप इसमें होता है जो आप इंसर्ट करते हो निडल आई में, एंड थ्रेड जो है वो वायर लूप में हम प्लेस करते हैं और वो उसको पुल बैक कर लेता है। ये जो होता है ना, ये होता है आपके इलेक्ट्रिक मशीन्स में। इलेक्ट्रिक मशीन्स में आपको ये निडल थ्रेडर आसानी से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में सिलने के लिए इक्विपमेंट है वो लास्ट है, स्विंग मशीन। भाई सिलने के लिए मशीन तो हमें चाहिए, तो ये एक डिवाइस है जो हमारे स्विंग को फास्टर कर देती है, क्योंकि अगर आप कटिंग करके पूरे सूट को हाथ से सिलने बैठोगे तो आपको दिन भी बहुत लग जाएंगे, मेहनत भी बहुत लग जाएगी और वो फिनिशिंग भी नहीं आएगी, इवन स्टिचिंग भी ठीक से नहीं होएगी। तो इसीलिए ये जो मशीन्स होती हैं ये हमारा काम बहुत आसान कर देती हैं, नीटर कर देती हैं। स्विंग मशीन्स हम हाथ से भी चला सकते हैं, ट्रेडल से भी चला सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं। कुछ मशीन्स जो होती हैं उनके अंदर एम्ब्रॉयडरी के अटैचमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मशीन्स होते हैं, एंड फैंसी स्टिचेस भी हम कर सकते हैं। ये लाइफ लॉन्ग पोजेशन है। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।